देखिए, आज हम प्रथम चरण में होने वाले मतदान, जिसमें गाजियाबाद लोकसभा जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, NCR में आती है, और वो जो लोकसभा है 5 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है, जिसमें गाजियाबाद एक सीट है, दूसरी गाजियाबाद के अंतर्गत शहर में जो आती है उसे साहेबाबाद के नाम से जानते हैं, और तीसरी धौलाना विधानसभा है, चौथी विधानसभा लोनी के नाम से जानी जाती है, और पांचवी विधानसभा मुरादनगर के नाम से जानी जाती है। पांचों विधानसभा में मिलाकर के इस समय लगभग 23 लाख मतदाता मतदान करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख मुकाबला है वो यहाँ के सिटिंग MP जनरल BK सिंह जी, जो सेना से रिटायर हैं और केंद्र सरकार में इस समय मंत्री भी हैं, उनके बीच और दूसरे जो सशक्त कैंडिडेट हैं वो सुरेश बंसल जी हैं, जो इस बार गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं, मतदाता ये फैसला करेंगे कि दोनों में से कौन जीते, लेकिन इन दोनों जो सशक्त कैंडिडेट हैं इनके साथ ही तीसरा जो कैंडिडेट है वो डॉली शर्मा हैं। डॉली शर्मा भी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ रही हैं, जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। पिछली बार इस सीट पर 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राज बब्बर जी लड़े थे, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनका मुकाबला किया था, और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट लड़ा था, जिसको 12.9 यानी लगभग 13% वोट मिले थे, और कांग्रेस के उम्मीदवार को 14% वोट मिले थे। भाजपा के कैंडिडेट को 7,58,000 वोट मिले थे और वो उन्होंने प्रथम स्थान पाया था। इस बार ये मुकाबला बहुत ही रोचक होगा। जैसी कि उधर की गाजियाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट है, गठबंधन के पास में जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें अगर हम जाति समीकरण को देखें तो इस चुनाव क्षेत्र में जो डॉली शर्मा हैं
उनके सजाती बोट ब्राह्मण 7 लाख हैं और लगभग 7 लाख ही मुस्लिम मतदाता हैं। शेड्यूल कास्ट के मतदाताओं की बात करें जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वह भी 5 लाख है और जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से साइकिल से लड़ रहे हैं सुरेश बंसल जी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको इस बार उनके फेवर में मुस्लिम वोट, शेड्यूल कास्ट वोट और बेस्ट वोट उनके फेवर में जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो राजपूत वोट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो ज़रूर बीके जनरल बीके सिंह के फेवर में जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो ब्राह्मण वोट हैं और बेस्ट वोट हैं जो दोनों मिलकर के 10.5 लाख होते हैं, इनमें से ज़्यादातर वोट जनरल बीके सिंह के फेवर में गए थे। उसमें से डॉली शर्मा के आ जाने से इसमें से उनका 3.5 लाख वोट कम हो जाएगा और मुस्लिम वोट और एससी वोट जो लगभग 12 लाख है, अगर उसमें बेस्ट वोट को जोड़ दिया जाए तो 12 और 3.5 15 लाख हो जाता है। तो 15.5 लाख का जो परसेंट है ये जो बीके सिंह के वोट से और डॉली शर्मा के वोट से अलग है। अगर 60% 70% मतदान में होता है, जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना गठबंधन के पक्ष में सामाजिक समीकरण चला जाएगा और जो गाज़ियाबाद लोकसभा की सीट है वो श्री सुरेश बंसल जो भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने उधर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट ली थी तो उन्होंने कहा था जो बेस्ट समाज के लोग हैं कि हम वैसे तो मोदी जी को पसंद करते हैं लेकिन हम वोट जो अपने सजाती उम्मीदवार सुरेश बंसल जी को देंगे। ये बात महिलाओं ने भी बताई और ये बात जो है उन्होंने जो और भी लोग थे उन्होंने बताई। तो इस तरीके से जितना मजबूती के साथ पिछली बार बीके सिंह जीते थे तो इस बार उनके लिए सुरेश बंसल जी जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं उन्होंने इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी की हुई है। रिजल्ट तो 23 मई को ही पता लगेगा कि किसके फेवर में जाएगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि सुरेश बंसल जी को जीतना चाहिए और इसका खुलासा जो 23 मई के लिए गणना होगी उसमें आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।